इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हीरो नंबर वन फिल्म, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन, ये फेंकू नंबर वन है। फेंकू नंबर वन फेंकता है, फेंकता रोज फेंकता है, पूरे देश को धोखा दिया है। मुखौटा पहन के घुमा करते थे मोदी साहब, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पकड़ लो पूंछ, 30,000 करोड़ रुपए सीधा राफेल में, सीधा 30,000 करोड़ रुपया। गप्पा गप खाया और ठका ठक खिलाया, ठोको ताली। आए थे 2014 में गंगा के लाल बनके, और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके। बहनों भाइयों, मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। ठोको ताली ठोको है। बहनों भाइयों, आसाम बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे चाय बड़ी अच्छी लगती है यहां की। पकड़ लो पूंछ, ये प्रधानमंत्री है। जापान चले गए, बहनों भाइयों मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है। अरे क्यों भाई? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी कहते थे, बाल नरेंद्र जा पान ले आ। ठोको ताली। सवेरे शाम झूठ बोलता है, सवेरे शाम बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको ताली। नीरव मोदी भागा, शक्ति भाई आप क्या आए? मैंने, मुझे ऐसा लगा कि कहीं सनी देओल आ गया। ठोको ठोको। हाँ, शक्ति मतलब, शक्ति का मतलब दुर्गा माता ऑल्सो, समझे कि नहीं? पांचों उंगलियां तुम्हारी इकट्ठी हो गई तो घूसा बन के 32 ही निकाल देंगी इसकी। ठोको ताली ठोको, मत रोको। पहले चौकीदार, शक्ति भाई पहले चौकीदार कहा करते थे, जागते रहो। हमारा चौकीदार अमीरों को कहता है, पैसे लेके भागते रहो। ठोको ताली ठोको। 364 वायदे किए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुमने इस देश की जनता को, तुमने 364 वायदे किए थे। गंगा साफ कर दूंगा, 15-15 लाख ला दूंगा, लोकपाल बना दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा। क्या मिली 2 करोड़ नौकरी? गंगा साफ हो गई, लोकपाल बन गया, वो 15-15 लाख तुम्हारी जेब में आ गया तो मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू? ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। क्या मिला? तुम यहां आके, भावनगर में आके तुम नारियल लगा के गए, लगाए तोड़ा, ठें करके नारियल लगाए, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? एयरपोर्ट के लिए तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बोलो बोले सर, तोड़ा कि यहां, ये 10 साल पहले की बात है, नारियल ऐसा तोड़ा कि वहां नारियल का पेल बन गया, उस पर भी नारियल लग गया। ठोको ताली ठोको। लेकिन तुम्हारा एयरपोर्ट नहीं बना, रोड बना दूंगा, ये करा दूंगा। अंदर वाले जाके शहर के अंदर घुसो रोड, तो ये नहीं पता लगता रोड में, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है।
कोई अपनी लुगाई को लेके जा रहा हो, आगे नहीं देखता, पीछे ही देखता रहता है, रह गई कि ढह गई। ठोको ताली ठोको। इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए बोल के गए तुम, ये सब लिखा है मेरे पास। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए तुम वचन देके गए। कोई रेलवे कनेक्टिविटी नहीं, जो इंडस्ट्री थी वो चली गई, सिर्फ डायमंड इंडस्ट्री बच गई है। क्या रह गया है? कुछ नहीं। तुम कहां करते थे, 10 रुपए का पेन लो तो पक्का बिल लेना। तो राफेल का बिल मांगते हैं तो तुम बिल बिलाते क्यों हो फिर? ठोको ठोको ताली ठोको। क्यों बिल बिलाते हो तुम? किस तरह का विकास किया है तुमने? 364 वायदे। अरे पेट खाली है, तुम योगा कराए जा रहे हो, ये हैं? हाँ, नीचे पेट खाली है, तुम योगा कराए जा रहे हो, जेब खाली है, तुम खाता खुलाए जा रहे हो, और खाने को खाना नहीं है, शौचालय बनाए जा रहे हो। ठोको ताली। वाह रे मोदी वाह। बहनों भाइयों, मेक इन इंडिया बनाएंगे हर चीज। बहनों भाइयों, भारत में बनेगी। पकड़ लो पूंछ। सरदार पटेल का बुत चीन से, राफेल प्लेन फ्रांस से, बुलेट ट्रेन जापान से, तो हिंदुस्तान वालों से क्या बनवाओगे? पकौड़े तलवाओगे मोदी साहब? ये पकौड़े तलने के लिए रखे हुए हो? हाँ? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम लोगों को बांटते हो, तुम वोटों की पोलराइजेशन करते हो। अरे नवजोत सिंह सिद्धू कुरान शरीफ को मानता है, भगवत गीता को मानता है, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, लेकिन सियासी लोगों की सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथ है हिंदुस्तान का संविधान। मैं संविधान को सबसे पहले मानता हूं। इसलिए ना मंदिर की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, अरे प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, पहले रोटी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो। तुमने कौन सा वचन पूरा किया है? बेच दिया तुमने, ये देश बेच दिया नरेंद्र मोदी। तुमने अंबानियों को बेच दिया, सरकारी कंपनियां मार के तुमने ये 2 प्राइवेट कंपनियां जो पाल रखी हैं, अंबानी और अडानी जो गाना गाते हैं सवेरे शाम, नाच मेरी बुलबुल। ठोको ठोको। सवेरे अंबानी और अडानी दोनों खड़े हो जाते हैं दाएं बाएं राहु केतु, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा कहां कदरदान, अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली। 5,50,000 करोड़ रुपए का BSNL। यार बोलना बंद कर दे दोस्त। हे दोस्त, या तो तुम बोलो। 5,50,000 करोड़ रुपए का BSNL गिरवी रख दिया नरेंद्र भाई मोदी ने, 8,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया, और फोटो खिंचाते हो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जियो दंदना धन, जियो दंदना धन, जियो दंदना धन। 900 करोड़ रुपए के फायदे में जियो दंदना धन, और 8,000 करोड़ के नुकसान में BSNL। 16 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए तुमने अंबानी और अडानी को, कोई 66,000 करोड़ का फौज के कॉन्ट्रैक्ट, कोई 60,000 करोड़ का, कोई शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट, सब सरकारी कंपनियों को मार डाला, HAL को मार डाला, DRDO को मार डाला। तुम बिजनेस मैनेजर हो, तुम बिजनेस मैनेजर हो अंबानी और अडानी के, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। अरे काहे का तू चौकीदार है, मच गया देश में हाहाकार है, GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को,
कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को, अबे 15 लाख का आज भी इंतजार है। काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार है। बहनों भाइयों, ब्लैक मनी लाऊंगा। अरे सारी ब्लैक मनी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुमने गुलाबी कर ली, गुलाबी ठोको ताली। बाहर नोटबंदी, और अगर नोटबंदी और जीएसटी ही मुद्दे थे तो इन मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना, आओ ना खड़े होके यहां भावनगर में बोलो। कहने में भाई, ये तुम्हें नोटबंदी कैसी लगी पूछो तो जरा, ठोकम ठोक पीछे पड़ेंगे तुम्हारे। फिर बोलो जीएसटी, जीएसटी लगाया 5 लाख सूरत में व्यापारी, एक दिन में खड़े होकर तुम्हारे पीछे पड़ गए। जब धुआं निकला चारों तरफ से तो तुम्हारी चाय फटने लगी थी, तुम्हारी चाय फटने लगी थी, जनता किसी और से पटने लगी थी, और इसीलिए जीएसटी घटने लगी थी। टोको ताली। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अमित शाह साहब ने 700 करोड़ रुपए, और जहां जहां नोटबंदी हुई, 5000 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, 500 का नोट बंद, और 100 का नोट चालू किया अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, 5000 पाउंड बंद, 1000 पाउंड बंद, 2000 पाउंड बंद, और 50 पाउंड का नोट शुरू किया। यहां अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, उल्टी गंगा बहा दी मोदी तुमने। 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया, और 2000 का गुलाबी कर दिया। वाह रे वाह, वाह, ठोको ताली ठोको। मैंने तो गाल गुलाबी सुने, तूने नोट गुलाबी, ठोको ताली चोर के लिए। मैं कहता हूं डंके की चोट पे तो तुम चोर हो, तुमने इस देश को बेच डाला, तुमने अंबानियों की चौकीदारी की। देखा है किसी ने चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर खड़ा, बताओ मुझे, देखा है, देखा है किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा चौकीदार, देखा है किसी झोपड़पट्टी में चौकीदार? चौकीदार खड़ा होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर, और वहां गरीब किसान का जाना, गरीब का जाना वर्जित होता है मोदी साहब, वर्जित होता है। तुम चौकीदार उन्हीं अमीरों के हो। हर कॉन्ट्रैक्ट अंबानी को, सरकारी कंपनियां खत्म हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 4,04,000 करोड़ का फायदा था, 2,092 करोड़, 2014 में 2,092 करोड़ का फायदा, और 2016 में 4,000 करोड़ का घाटा। भेल, BHEL, वो फायदे में थी, 6,000-7,000 करोड़ रुपए के तुमने 8,000 करोड़ में डुबो दिया। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, 1,00,000 करोड़ जेब में था, नंगी करके खड़ी कर दी, नंगी करके 1,00,000 करोड़ से 296 करोड़ रह गए, बर्बाद हुई कंपनियां खरीदवाई तुमने अंबानी की और अडानी की। हम तो सोचे थे कि चौकीदार रहेगा चौकन्ना, ये तो निकला निकम्मा। ठोको ताली, ठोको ताली। एक वायदा तुमने भावनगर के साथ पूरा नहीं किया, और आज गरीब को, किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। वो मामा तो गया उधर, क्या नाम था उसका, शिवराज क्या, हाँ शिवराज सिंह चौहान, मामा तो गयो, और अब ये ऊपर ठाकुर भी गयो, ठाकुर भी गयो, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेला ठेला। ठोको, अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। नोटबंदी में 700 करोड़ रुपए अमित शाह जी तुमने अहमदाबाद जिसके बैंक के डायरेक्टर वहां जमा कराए, 700 करोड़ जयंती भाई ने 600 करोड़ राजकोट में जमा कराए, वो मुंडे जी उनकी बेटी 650 उन्होंने जमा कराए, 22,500 करोड़ रुपया तुमने काले धन का गुलाबी कर दिया। और यदि 5 दिन में जवाब देना, जवाब देना शाह साहब, आप जवाब देना, यदि 5 दिन में 750 करोड़ जमा होने थे तो 1 घंटे में 12,000 लोग लाइन में खड़े होके
अगर 2.5 लाख जमा कराते तब वो होते थे, और एक घंटे में कोऑपरेटिव बैंक में अगर 12 लोग थूक से गिनते हैं नोट, अगर 12 लोग लाइन में खड़े होकर 2.5 लाख जमा करा दें तो मैं तुम्हारी टांगों से नीचे निकल जाऊंगा। झूठे हो तुम, चोर हो तुम, फरेबी हो तुम, देश को बेचने वाले हो तुम। सीबीआई मार डाली, रॉ के भेद खोल डाले, जुडिशरी उच्च न्यायपालिका चौराहे पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक फौज बची थी तो वो योगी कहता है मोदी जी की सेना पकड़ लो पूंछ। काहे का योगी सत्ता का लोभी, खोद दो इसकी गोभी, ठोको ताली। मोदी जी की सेना, ये सेना हिंदुस्तान की थी नरेंद्र भाई मोदी, और हिंदुस्तान की रहते दम तक रहेगी। तुम मुद्दों से भटकाते हो, अब तुम मुद्दों पे आने वाले नहीं हो। तुम जानते हो कि पब्लिक खिलाफ हो चुकी है। 3-3 स्टेट में राहुल जी ने जो कहा, तुमने 5 साल में 365 वादे नहीं किए, और 3-3 स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था कि जिस दिन सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा किसानों का। 10 दिन तो क्या, 2 घंटे के अंदर 50 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 2 लाख रुपए कर्जा लेता है किसान और 2000 रुपया दे नहीं पाता तो तुम उससे ब्लैंक चेक लिखवाते हो, उसे जेल में ठुकवाते हो, पहले डिफॉल्ट पे कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो। अडानी ने 1 लाख करोड़ रुपया नहीं दिया मोदी साहब, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? अंबानी ने 46,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? हैं? इशार ने 37,000 करोड़ नहीं दिया, उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने? तुमने पेट्रोल और डीजल पे 250% और 400% ड्यूटी लगा दी। तुमने कांग्रेस की सरकार से 5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। तुमने अमीर लोगों को 17 लाख करोड़ रुपया एनपीए दे दिया। एनपीए क्या कि बैंकों के साथ, सरकारी बैंकों के साथ सांठ गांठ करके कर्जा तो ले लो, वापस मत करो। अरे कांग्रेस ने इस देश को 5 गांधी दिए, महात्मा गांधी, सत्य के पुजारी, धर्म पे खड़े, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया देश के लिए, हताहत हो गए। सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर करो, और कौम की सातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और बीजेपी ने 3 मोदी दिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, और तीसरा नरेंद्र मोदी जो बैठ गया अंबानी की गोदी। ठोको ताली, ठोको ताली। खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू, नरेंद्र दामोदर दास मोदी खड़ा है भावनगर में, बुला लो जहां मर्जी बुलाना है। तुम डराते हो ना भावनगर में लोगों को, तुमने लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना दिया है, तुमने लोकतंत्र को भय तंत्र बना दिया है, तुमने लोकतंत्र को ट्रोल तंत्र बना दिया है। भय से राज कर रहे हो तुम, लोगों की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती नहीं है, लेकिन सिद्धू है, सरदार भी है और असरदार भी है। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, खार होता है कांटा, झुका देती जो गर्दन को उसे हम हार कहते हैं। लगाकर जान की बाजी, करे जो देश की रक्षा, रखे जो तार पे सर को उसे सरदार कहते हैं। ये सरदार ललकारता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी तुम्हें, यहां तुम्हारे घर में, यहां चौराहे पे खड़ा होके। यदि तुम में दम है, यदि तुम सच्चाई पे खड़े हो, यदि तुम चोर चौकीदार नहीं हो, तो आओ इस सिद्धू के साथ बहस कर लो। हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम्हारे घर बुलाओ, वहां आ जाता हूं। यदि हार गया तो सिद्धू सदा के लिए राजनीति को छोड़ देगा। आओ मैदान में, आ मोदी, आ मैदान। तुम डराते हो, तुम धमकाते हो, तुम लोगों को जेल में ठुकवाते हो। जो तुम्हारे साथ चले वो राष्ट्रभक्त,
जो सत्ता पक्ष को सवाल करे वो एंटी नेशनल, तुमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही मैंने देखा नहीं आज तक, आज तक नहीं देखा, जिसने सब सरकारी कंपनियों को बेच के अंबानियों के पेट भरे। नाम लो बीएसएनएल, भेल, सेल, आरआईएन, कोल इंडिया, सब बर्बाद कर दी तुमने। और हवाई जहाज में जिसमें तुम 2 साल हवा में घूमते रहे हो, हवा में ही रहे हो तुम, पैराशूटर हो, ग्रास रूटर नहीं रहे अब, उड़ाकर पंख ले जाएं वहां तक शौक से जाओ, लेकिन याद रखना पांव के नीचे की जमीन ही काम आएगी। आओ बताओ कि तुमने नहीं बेचा हिंदुस्तान को, तुमने नहीं दिए कॉन्ट्रैक्ट। और तो और मैं सबसे बड़ी बात इस जनता की अदालत में पूछता हूं कि बीएसएनएल 5,50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने आज तक 4G बीएसएनएल को नहीं दिया, आज तक तुमने 4G बीएसएनएल को नहीं दिया, तप्पड़ उड़ गए बीएसएनएल के, गिरवी हो गया, तुमने 4G दिया, जियो धन धनाधन, जियो धन धनाधन, जियो दिन धनाधन। क्या टांका बिड़ा है तुम्हारा, क्या टांका बिड़ा है? तुम इन दोनों को बांग्लादेश लेके गए, अडानी और अंबानी को, 3 रुपए की बिजली झारखंड में जो बनती है, 7,500 करोड़ में झारखंड कर्जई हो गया, बिक गया, बर्बाद हो गया, लेकिन तुमने अडानी को 3 रुपए की बिजली बांग्लादेश में 6 रुपए में बिकवाई। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? ऐसे राष्ट्रभक्त होते हैं? किसान के लिए क्या किया है तुमने? दोनों पार्टियां कर्जे माफ करती हैं, एक अमीरों के अंबानी और अडानियों के और दूसरे किसानों के। कांग्रेस ने किसानों के माफ किए हैं 72,000 करोड़। है दम, कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? अब तो बंदर बेवकूफ नहीं बनते, तुम इंसानों को बेवकूफ कैसे बना लोगे? 10 लाख का कोट पहन के टोपियां पहनाते हो। एक बंदा टोपियां बेचता था, वो बरगद के पेड़ के नीचे सो गया, 4-5 पोटली टोपियां थी, तो बंदर आए टोपियां उठा के ले गए, भागा भागा अपने पिताजी के पास गया, दादाजी के पास गया, दादाजी मेरी टोपी ले गए। दादा बोले इसमें क्या है, टोपी पहनना ऐसे करके और ठा करके नीचे मारना बरगद के नीचे खड़े होके। कह रहा अच्छा, बरगद के नीचे गया, टोपी पहनी, ठा करके नीचे मारी, बंदरों ने भी ठा करके नीचे मारी, फटाफट इकट्ठी की। कह रहा यार बड़ा तगड़ा जुगाड़ है, चला गया। 6 महीने बाद फिर आया, 4-5 पोटली लेके सो गया। कह रहा अब तो क्या है, वो सारी टोपियां फिर ले गए। कह रहा क्या है, टोपी पहनी, ठाए करके नीचे मारी, ऊपर से आवाज आई, अबे ओ घन चक्कर के हमारे बाप दादा नहीं थे क्या? ठोको ठोको ताली ठोको। तुम बेवकूफ बना के जा रहे हो सबको, तुम बांट रहे हो इस देश को, तुम मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो। ना राम मिला, ना राम मिला, ना रोजगार मिला, हर एक गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको ताली, कहां है तुम्हारा रोजगार? कहते हो 8.2 पे ग्रोथ हो रही है, शक्ति भाई 8.2 GDP है हमारी, नौकरी दूंगा 2 करोड़ पर साल, 10 करोड़।